वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा फटाफट, सर सबसे पहले टॉपिक का नाम, वैसे तुम पढ़ के ही आए हो। सर पी क्यू आर एस इज अ लूप, दिख रहा है आपको बेटा? पी क्यू आर एस, पी क्यू इज द मूवेबल पार्ट, बाकी क्यू आर, आर एस और पी एस ये सब मूव नहीं कर सकते। इसलिए देखो मैंने डायग्राम में भी लिखा है साफ साफ। और पी क्यू की लेंथ कितनी है, वैसे तो फिगर में भी है, इसलिए मैंने बेटा यहां पर भी लिखा है एज शोन इन फिगर। अब सिंपल सी बात है सर, देखो एक टाइम पर जब पी क्यू, सॉरी बेटा पी क्यू नहीं, जब पी क्यू मूव कर रहा था उस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी वी। और सर अब मैं समझाता हूं हुआ क्या। सर जब पी क्यू की वेलोसिटी वी थी, दिख रही है बेटा, तो उसने बहुत कम टाइम पे, पी क्यू ने बहुत ही कम टाइम लिया और वो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। वैसे मूव कर रहा था लेकिन हमने एक इंस्टेंट लिया है, वो पहले से मूव कर रहा था, मुझे पता है वो चीज। चलो सर ये देखो, अब सर मैं कह रहा हूं लेट से ये जो पूरा का पूरा लूप एरिया था इसका नाम दे देते हैं ए। सर सिंपल सी बात है, आपको जरा इधर समझाते हैं। पहले ये एरिया ए था, ठीक है सर? क्योंकि पी क्यू आगे मूव कर गया तो थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, मानते हो ना सर? वो एरिया कितना बड़ा है? बड़ा मतलब बेटा बिग वाला नहीं, बढ़ा, इंक्रीज, और इट कैन डिक्रीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज होना चाहिए बस। अब मैं बताता हूं सर, बहुत सिंपल है। देखो सर अगर पी क्यू ने बहुत 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 कम टाइम लिया, बहुत 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 कम डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी, ओके सर, तो सर ऐसे में जो एरिया चेंज हुआ है वो भी बहुत बहुत कम ही होगा। चलो सर कितना कम होगा? सर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ तो डीएक्स है, लेंथ एल है, ओके दिख रहा है बेटा? एल इंटू ये बी ब्रेथ, इस बार ये है क्योंकि एरिया इतना चेंज हुआ है, मेरे को पूरा का पूरा एरिया नहीं लेना जो चेंज हुआ है। सर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है बेटा, ये एल है और ये डीएक्स है। अब एक काम करते हैं ना सर, इसको मैं अगर डीटी से मल्टीप्लाई करता हूं, बोलो भाई इससे कुछ फायदा है? देखो इससे बहुत फायदा है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकाल लेंगे ना, कोई बात नहीं। सर अब एक चीज आप ईमानदारी से बताओ, ये देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय स्मॉल टाइम, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, और तभी तो मैं कहता उस इंस्टेंट पर पी क्यू की वेलोसिटी वी थी। सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, ये तो पी क्यू की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो डीए बाई डी टी इज इक्वल टू एल वी, कोई बात नहीं। सर अब आप एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक। अगर किसी भी बंदे को, ओरे रे 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 गिर गया नीचे, किसी भी बंदे को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है पूरे के पूरे लूप के लिए, तो वो बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, उस इंस्टेंट पर जितना भी एरिया है। सर एक काम करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं डी फाई, और इसको मैं ना ऐसे कर देता हूं, फ्लक्स कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो कितना होगा मैं बताऊं? बेटा देखो ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बोले तो कांस्टेंट, सर इसकी डिफरेंशिएशन होगी नहीं। सर एरिया आप खुद देख रहे हो, वो घट भी सकता है, अगर देखो पी क्यू पीछे की तरफ मूव करेगा एरिया घट जाएगा, पी क्यू आगे की तरफ मूव करेगा एरिया बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब सर एरिया ही चेंज हो रहा है। ये है कांस्टेंट। सर याद करो उन दिनों को, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो जो फराडे भैया थे, फैराडे लॉ, उन्होंने बोला था इंड्यूस्ड ईएमएफ और कुछ नहीं होती, वो डी फाई बाई डी टी होती है। तो सर डी फाई बाई डी टी बोले तो ई, तो ई इज इक्वल टू है देखो बी डॉट डी ए बाई डी टी, बच्चे वैसे ही समझ चुके हैं बेटा, देखो डी ए बाई डी टी ये तो यहां है, बहुत आसान हो गया, तो बच्चा लिखेगा बी वी एल, खत्म, और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो, और हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहना।